Hello friends, how are you? I hope that you all have been working very, very hard about your studies, especially with the help of our educational channel English by S. Goswami. आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन एक्सरसाइज नंबर 31 का, और ये सॉल्यूशन है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें हम यूज करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। आइए स्टार्ट करें। नंबर वन, शी हैज बॉट अ वॉच, उसने एक घड़ी खरीदी। द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, ये घड़ी सही समय देती है। सो शी हैज बॉट अ वॉच, उसने खरीदी एक घड़ी, विच जो कि गिव्स करेक्ट टाइम, हमने कंजंक्शन का यूज करा विच और हमने बनाया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, दिस इज द हाउस, ये वह घर है। आई वॉज बोर्न हियर, जहां मैं पैदा हुआ था। सो दिस इज द हाउस वेयर, जब जब हेयर आएगा तब तक कंजंक्शन वेयर आएगा। नेक्स्ट, आई नो द मैन, मैं जानता हूं उस आदमी को, हिज फादर इज डेड, उसके पिता मर चुके हैं। तो आई नो द मैन हूज फादर, हिज आया तो हूज आया, जिसके पिता इज डेड, अब मर चुके हैं। द थीफ स्टोल माई पर्स, चोर ने मेरा पर्स चुराया। ही वॉज कॉट, वह पकड़ा गया। द थीफ, वह चोर जिसने, एडजेक्टिव क्लॉज है ना, जिसने पर्स चुराया, उस विशेष आदमी को वॉज कॉट, पकड़ा गया। हु स्टोल माई पर्स। नेक्स्ट है, ही इज द बॉय, ये वही लड़का है। यू वॉन्टेड टू सी हिम, आप उसको देखना चाहते थे। सो ही इज द बॉय होम, जिसको यू वॉन्टेड टू सी, आप देखना चाहते थे। यू पुट योर बुक समवेयर, आपने अपनी किताब कहीं रखी। समवेयर आएगा, हेयर आएगा तो वेयर आएगा। शो मी द प्लेस, मुझे वो जगह दिखाओ। तो शो मी द प्लेस, मुझे वो स्थान दिखाइए, वेयर, जहां यू पुट योर बुक, आपने अपनी पुस्तक रखी है ना। नंबर सेवन देखेंगे, द स्टूडेंट्स आर हियर, छात्र यहां हैं। यू विश टू स्पीक देम, आप उनसे बोलने की इच्छा रखते हैं। तो द स्टूडेंट्स आर हियर, वे बच्चे यहां हैं, हूम, जिनसे यू विश टू स्पीक, आप बोलना चाहते हैं, बोलने की इच्छा करते हैं। अलादीन, नंबर एट, अलादीन ओपन द डोर ऑफ द केव, अलादीन ने गुफा का दरवाजा खोला। ही सॉ बैग्स ऑफ गोल्ड देयर, वहां उसने सोने के थैले या बोरे देखे। तो अलादीन ओपन द डोर ऑफ द केव, अलादीन ने गुफा का दरवाजा खोला, वेयर, जहां ही सॉ, उसने देखे बैग्स ऑफ गोल्ड। जब जब देयर आएगा, हियर आएगा, तब तक वेयर आएगा। क्लियर। द चाइल्ड इज वीपिंग, बच्चा रो रहा है। नो वन नोज द रीजन, जब जब रीजन आएगा तब तक वाई आएगा। तो नो वन नोज वाई द चाइल्ड इज वीपिंग, किसी को नहीं पता बच्चा आखिर क्यों रो रहा है। ही विल कम टू मी एट सम टाइम, जब जब टाइम आएगा तब वैन आएगा। आई डू नॉट नो दैट टाइम, वह किसी समय आएगा, मुझे नहीं पता उस समय के बारे में। तो आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता वैन, कब ही विल कम टू मी, वो मेरे पास आएगा। He went to Agra, वह आगरा गया। He stayed there, वहां रुका, for a week, एक हफ्ते के लिए। तो he went to Agra, वह गया Agra, where, जहां वो रुका। He stayed for a week, एक हफ्ते के लिए। Last है, she is the girl, वो लड़की है। Father helped me, पिता ने मेरी सहायता की थी। तो she is the girl, वह लड़की है, वह लड़की whose father, जिसके पिता ने helped me, मेरी मदद। क्लियर। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंग्लिश पे एस गोस्वामी, बाय।